हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं एक पेनी स्टॉक की जो फंडामेंटली काफ़ी साउंड है और इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को अच्छा पैसा बना के दिया है। कंपनी का नाम है सूरत टेक्सटाइल्स लिमिटेड। ये कंपनी का थर्सडे का क्लोजिंग था 9.83 का और 52 वीक हाई था इसका 15.70 का। कंपनी का जो पी है 15 का है, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। कंपनी में पॉजिटिव बात यह है कि टोटली डेट फ्री है, इस पर कोई डेट नहीं है, जीरो डेट की कंपनी है। इसका अगर हम लोग ईपीएस की बात करें तो 0.62 का ईपीएस है, जो इसके प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। अब सवाल ऐसा है कि कंपनी इतनी गिरी क्यों 15.70 का हाई लगाकर। उसका कारण ऐसा है कि इसका जून क्वार्टर में लॉस इसने बुक किया था और उसके कारण शेयर गिरा, पर अभी ज़्यादा गिर नहीं रहा है। काफ़ी दिनों से इसी लेवल के आसपास 9.5 से 10 रुपये के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो सितंबर क्वार्टर रहेगा वो काफ़ी अच्छा आएगा और वो अच्छा आने के बाद ये शेयर फिर से 15, 16 और 20 के भी लेवल दिखा सकता है। ये शेयर भी ब्राइटकॉम या सिमकॉम जैसा ही अपर सर्किट लोअर सर्किट में ज़्यादा चलता है, बट अभी थोड़ा सा ये जब इसका रिजल्ट खराब आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या तो 1-2 महीना होल्ड कर सकते हैं इसका सितंबर क्वार्टर आने तक। सितंबर क्वार्टर की अभी जो डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, पर अभी 1-2 महीने में तो उसका डिक्लेरेशन आएगा ही। तो जब ये शेयर काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाएगा, क्योंकि हमें 52 वीक हाई से करीब करीब 60-70% डिस्काउंट में ये शेयर मिल रहा है, तो आप इसको इस लेवल पर बाय करके अगर होल्ड करके रखते हैं पेशेंटली तो हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें अपवर्ड मूव दिख जाए आपको, क्योंकि काफ़ी बॉटम आउट हो चुका है। 50 DMA के सपोर्ट के आसपास ही घूम रहा है, तो यहाँ से ऊपर जाने की गुंजाइश जाते आए, ज़्यादा गिरने की गुंजाइश नहीं यहाँ से। तो ये पेनी स्टॉक है, इसमें अगर होल्ड करेंगे आप तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और पॉजिटिव बात यह है इसमें, और एक बात कि प्रोमोटर होल्डिंग 75% इंटैक्ट है कई सालों से, तो प्रोमोटरों को अपनी कंपनी पर जो विश्वास होता है तभी कोई स्टेक वेक बेचते नहीं है। तो 75% प्रोमोटर के पास है, DIFI का कोई इसमें होल्डिंग नहीं है, पर बाकी पब्लिक के पास है। तो ये शेयर काफ़ी अच्छा है फंडामेंटली पेनी स्टॉक के हिसाब से देखा जाए तो, और डेट फ्री कंपनी है और लगातार बड़े सेल की कंपनी है, मतलब छोटे मोटा सेल नहीं है, 100 करोड़ 125 करोड़ 125 करोड़ 150 करोड़ ऐसा सेल होता है इसका, और प्रॉफिट भी अच्छा 5 करोड़ 7 करोड़ ऐसा होता है। सिर्फ इसका जून में थोड़ा सा ये निगेटिव रिजल्ट आया इसलिए शेयर इतना गिरा हुआ है, और यहाँ से भी इतना गिरा नहीं है, अभी भी वहाँ से होल्ड करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जो लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं 1-2 महीने का, तो वो इसको ऐड करके होल्ड कर सकते हैं। उन्हें 2-3 महीने में ही इसमें अगर 40-50% का मुनाफा मिल गया तो और क्या चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे सूरत टेक्सटाइल्स लिमिटेड के बारे में और इस शेयर के बारे में। आप अपना स्टडी करके भी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।